Hi students, welcome all of you in our next class of chapter 10-12 class wave optics में आज हम पढ़ेंगे interference of light का next topic Young's double slit experiment YDSC short में लिखेंगे YDSC Young's double slit experiment करें start पढ़ाई तो बहुत सारी हो रही होगी ये टॉपिक भी पढ़ते हैं देखें जरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है समझते हैं इट हैज डबल स्लिट मतलब दो स्लिट हैं एक स्लिट यहां पे आ गई है S1 स्लिट मतलब एक ओपेक शीट में एक होल यहां पे हमने कर दिया है दिस इज नोन एज स्लिट S1 वन मोर होल We have done known as slit S2, second slit. Two holes are two slits, then two slit means double slit. Distance between them, I will take small d. Distance between them, small d. इसी के bisector पे आगे रखेंगे screen. आगे क्या होगा? Screen. This is the center of screen. This is the center of screen. Distance between slit and screen, we will take capital D. Capital D से represent करेंगे. Got it? इसी line पे यहाँ पे रखेंगे source of monochromatic light. Exactly कहें तो point source of monochromatic light. Got it? Point source of monochromatic light. Point source of monochromatic light. This one. It will emit light in all directions. But जो light यहां पहुंचेगी, slit S1 पे पहुंचेगी, like this. जैसे लाइट यहां पहुंचेगी S1 पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द स्लिट S1 वाइब्रेट एंड बिकम सोर्स ऑफ लाइट एंड एमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शंस सेम वे में जो लाइट यहां पहुंचेगी यहां एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट एंड बिकम सोर्स ऑफ लाइट एंड एमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शंस यहां से लाइट ऑल डायरेक्शन में जाएगी यहां से भी लाइट ऑल डायरेक्शन में जाएगी मींस दोनों स्लिट S1 S2 आर द कोहेरेंट सोर्सेस कोहेरेंट सोर्स बन गए कोहेरेंट सोर्स क्या था हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है इंटरफेरेंस में हमने पढ़ लिया है जब इंटरफेरेंस को इंट्रोड्यूस किया इंटरफेरेंस के बहुत सारे मेथड हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम आज पढ़ रहे हैं सो The two slits illuminated by point source of monochromatic equidistant source. These two slits are coherent sources. Got it? अब यहां से interference pattern produce करेंगे. कैसे? समझते हैं जरा. यहां से light center of screen पे पहुंचेगी. यहां से भी light center of screen पे पहुंचेगी. जिससे यहां पे क्या हो जाएगा? लाइट सेम फेज में यहां पे है यहां से सेम डिस्टेंस कवर किया है सो इक्वल डिस्टेंस कवर किया है तो यहां पे सेम फेज में लाइट पहुंचेगी द टू लाइट वेव्स सुपर इंपोज विद ईच अदर एट पॉइंट सी इन सेम फेज में सुपर इंपोज करेंगी तो क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां पे होगी नाउ द क्वेश्चन इज यहां तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी समझ में आ गया इससे थोड़ा सा नीचे किसी भी पॉइंट पे या ऊपर किसी भी पॉइंट पे क्या बनेगा वो हमें डेराइव करना है क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले चाहिए वो हमें डेराइव करने हैं लास्ट में बताऊंगा इंटरफेरेंस किसका मेथड है इंटरफेरेंस का यूज क्या है थोड़ा सा बता देता हूं
इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज दैट फिनोमिना विच प्रूव्स वेव नेचर ऑफ लाइट. लाइट इज अ वेव. रे ऑप्टिक्स में लाइट इज अ रे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट इज अ वेव. लाइट इज अ पार्टिकल. बट वेव, लाइट इज अ वेव, ये इंटरफेरेंस प्रूव करता है. गॉट इट? वो हम यहां पे पढ़ेंगे YDSC में, करें डिस्कस. अब यहां से लाइट यहां पे हर पॉइंट पे पहुंचेगी. अ लाइट वेव रीचिंग एट पॉइंट पी फ्रॉम S1, वन मोर लाइट रीचिंग एट पॉइंट पी फ्रॉम S2. इस तरह से लाइट S1 से भी जाएगी, S2 से भी जाएगी. यहां दोनों का पाथ सेम, फेज सेम, मैक्सिमम इंटेंसिटी. यहां क्या होगा? इसका पाथ कम है, इसका ज्यादा है. हर पॉइंट पे पाथ वेरी करेगा, फेज वेरी करेगा. उसी के अकॉर्डिंग किस पॉइंट पे क्या होगा वो डेराइव करते हैं. लेट देयर इज अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन. इस पॉइंट पे जो दोनों वेव पहुंचेंगी उनकी इक्वेशन क्या होगी? मैं स्टार्ट कर रहा हूं. लेट, कौन सी वेव्स? लेट द टू वेव्स S1P एंड S2P आर गिवन बाय, आर रिप्रेजेंटेड बाय Y1 इक्वल्स टू, फर्स्ट वेव को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx. वेव है तो वेव की इक्वेशन होगी. ध्यान से देखें, हमने शो ऐसे कर दिया है. रियल में कैसे जा रही? वेव है तो ऐसे जा रही होंगी क्रेस्ट ऑफ की फॉर्म में, ये भी. बट इतना माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है, हमें वेव मोशन हमें फील नहीं हो रहा है, बट ये फिनोमिना प्रूव करेगा कि एक वेव है. गॉट इट? सो वेव से रिप्रेजेंट करेंगे. S1P का रिप्रेजेंटेशन, S2P का. Y2 इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा टी माइनस kx. व्हाट इज A1? एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव. A2 एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव. ओमेगा टी माइनस kx फेज ऑफ फर्स्ट वेव. एंड ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइव इज द फेज ऑफ सेकेंड वेव. वी नो दैट फिजिक्स में हर जगह एंगल को हम फेज बोलते हैं. फर्स्ट वेव का फेज, सेकेंड वेव का फेज. लेट्स प्रोसीड. रिजल्टेंट वेव कैसे निकालें? रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय व्हाट? वेक्टर एडिशन. मतलब गिवन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इज गिवन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब वेक्टर एडिशन. दैट इज y वेक्टर इक्वल्स टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, विच इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस थीटा. ध्यान से समझेंगे. देखिए, पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, करूंगा, रिपीट करूंगा. ये फाई, ये थीटा, एंड a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव. रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इज a. नेक्स्ट, कैसे निकालने एम्पलीट्यूड? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सुपरपोजिशन मींस वेक्टर एडिशन. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब वेक्टर एडिशन किसका होगा, कैसे होगा समझते हैं. ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस. फेज यानी एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से ऐसे ही देखते हैं. फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1, फेज ओमेगा टी माइनस kx. यानी फर्स्ट वेव इज A1, इसका फेज है ओमेगा टी माइनस kx. सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड A2 एंड फेज ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइव. वो भी यहीं से देखें, यहां से ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइव, यानी इधर आ जाएगा a
टू, तो ये एंगल हो गया फाइव। यहीं से ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ए वन ए टू के बीच में एंगल फाइव, दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाल रहे हैं? बाय वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए हमेशा टू वेक्टर का वेक्टर एडिशन हमेशा दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। ये मान लिया हमने ए, इसका फेज कितना होगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस दिस एंगल, इतने से एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। तो थीटा मैंने यहां पे लिख दिया, प्लीज ध्यान देंगे ये वेव है, सो वेव से रिप्रेजेंट करेंगे कि वेव है, तो वेव की इक्वेशन से ही रिप्रेजेंट करेंगे, इसका हमें कहीं और कोई यूज नहीं है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज थीटा, नो यूज। हमें दो वेव्स के एम्पलीट्यूड चाहिए ए वन ए टू, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस एंगल का डिफरेंस कितना है? फाइव हमें चाहिए, दैट्स ऑल। What is the value of A? A equals to under root A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos of angle between A1 and A2 phi आएगा। ध्यान रखेंगे थीटा नहीं आएगा, थीटा कोण को यूज नहीं यहाँ पे। Got it? Amplitude of resultant wave by law of vector addition. What is A? Amplitude of resultant wave. What is the intensity of resultant wave? Resultant wave की intensity क्या होगी? That is I proportional to A square. In SI units, proportionality constant is K की वैल्यू होती है 1। SI सिस्टम में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज 1, सो K हो जाएगा 1, I becomes equal to A square, equals to A का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। आंसर इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। What it can be written? It can also be written as what is A square? I. What is A1 square? I1. A square is I. A1 square I1 plus A2 square हो जाएगा I2 plus 2. What is A1? A1 square is I1, तो A1 हो जाएगा under root I1. So 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। ये फॉर्मूले हमें चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, पूरा आगे का एक्सपेरिमेंट पूरा YTSC इन पे डिपेंडेंट है। व्हाट इट, ये वेव है, वेव से रिप्रेजेंट हमें करना पड़ेगा, इसलिए ये सब शो किया है। ना तो इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल यूज होगा, ना ही हमें कहीं पे और कहीं यूज होगा। थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंट आता है तो हमें वेव से रिप्रेजेंट करके ये निकाल के दिखाना पड़ेगा। YTSC आया तो न्यूमेरिकल आएगा, तो डायरेक्ट आंसर्स डेराइव करेंगे, वी विल यूज द आंसर्स। आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डेस्ट्रक्टिव। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस intensity will be maximum, intensity will be maximum, is it correct? Intensity maximum हो जाएगी, कब होगी? Intensity का formula ये है। अब इसमें ये तो सारा constant है, variable कौन है? cos phi। Intensity maximum कब होगी? जब cos phi मैक्सिमम होगा प्लस वन। कॉस फाई मैक्सिमम प्लस वन कब होगा? व्हेन फाई इज जीरो, टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, एट पाई, टेन पाई एंड सो ऑन। एनथ टर्म आएगी टू एन पाई, सो फेज डिफरेंस कितना बन गया? 2n पाई। कितना हो गया? 2n पाई। यानी जहां भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहां पे
मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दैट आर द वैल्यूज ऑफ एन। फाई इज द फेज डिफरेंस, ये पॉइंट समझने का है। फाई फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक फॉर्मूला होता है। पाथ डिफरेंस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा बाय 2π/φ। कैसे आ गए? थोड़ा सा शॉर्ट में यहां एक्सप्लेन करूंगा, यहां नीड नहीं है मैं क्लियर कर दूं, बट ये हमने 11th के लास्ट चैप्टर वेव्स में पढ़ा था। 11th का मैंने नाम ले लिया, गुस्सा नहीं करेंगे। 11th के लास्ट चैप्टर वेव्स में हमने पढ़ा था, क्या था? शुड आई एक्सप्लेन? थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं, एडिशनल है, यहां नीड नहीं है। देयर इज अ वेव लाइक दिस, कोई वेव ऐसे है, एक वेव यहां से यहां कंप्लीट हो गई। यहां पे पाथ कितना है? 0। यहां पे लैम्डा बाय 4, यहां पे लैम्डा बाय 2, यहां 3 लैम्डा बाय 4, और यहां पे पाथ हो जाएगा लैम्डा। इज इट विजिबल? नेक्स्ट, इसी पॉइंट पे फेज फाई कितना होगा? 0। एंगल कितना होगा? 0। यहां पे 90 यानी पाई बाय 2, यहां पे 180 यानी पाई, यहां 3π/2, और यहां पे हो जाएगा 2π, और डिवाइड x इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2π मल्टीप्लाइड बाय 5 ऊपर आ जाएगा। ये यहां पे मैंने हिंट दे दिया है, इसको यहां कहीं जरूरत नहीं है, बट फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। लैम्डा बाय 2π/5 की वैल्यू 2n pi cancelled, x becomes equals to कितना आएगा? Cancelled, x is equals to n lambda, equation number we will take 1, first equation, path difference 0 है, path same था, path difference 0, ऊपर जाएंगे तो path difference बढ़ता जाएगा। जहां जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। सेकंड पॉइंट, डेस्ट्रक्टिव के लिए, फॉर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी शुड बी कितनी? इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम। मिनिमम कब होगी? व्हेन कॉस फाई इज मिनिमम -1। कब होगा cos phi minimum -1? कब होगा? When phi is pi, 3π, 5π, 7π and so on, 2n-1π, 2n+1π भी ले सकते हैं, क्या डिफरेंस है देखें जरा। So phi is equals to 2n-1π, -1π लेंगे तो n starts from 1, so 1, 2, 3, 4 and so on. If we will take +1π, then 0 से start हो जाएगा, so it's better to take it from 1, 2n-1π and 1 से start कर देंगे। Phase difference this one, तो path difference lambda by 2π इंटू 5, वही फॉर्मूला, इंटू 5 की वैल्यू 2n-1π, पाई से पाई कैंसल, एक्स इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। जहां जहां पाथ डिफरेंस ऊपर जाएंगे तो पाथ डिफरेंस इंक्रीज होगा, जहां कहीं भी पाथ डिफरेंस ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वहां इंटेंसिटी मिनिमम होगी, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर थ्योरेटिकल कंडीशंस। पाथ डिफरेंस दोनों का है कितना, इन दोनों के लिए हम लेके चल रहे हैं, ब्राइट के लिए ये, कंस्ट्रक्टिव के लिए, डेस्ट्रक्टिव के लिए। पाथ डिफरेंस है कितना, लेट अस कैलकुलेट।
इसे बोलेंगे ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे एस टू पी माइनस एस वन पी, ये हमें कैलकुलेट करना है। एस टू पी का पाथ ज्यादा है, एस वन पी का पाथ कम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट सब्ट्रैक्ट करने से पहले एस टू पी की वैल्यू क्या होगी, एस वन पी की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट तो करें। टू कैलकुलेट एस टू पी, लेट अस मेक इट अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस। यहां से भी इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, ये डिस्टेंस डी, तो ये भी डी होगा, यहां से यहां तक डी, तो ये बनेगा डी बाय टू, दिस इज ऑल्सो डी बाय टू, ये भी डी बाय टू, ये भी डी बाय टू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस टू पी का, एस टू पी का होल स्क्वायर फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर प्लस यहां से इसका स्क्वायर, ये वाई वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई है, एस टू पी स्क्वायर आएगा डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। गॉट इट ऑल ऑफ यू, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कर दें एक्सपेंड। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई डी। कुछ मिस्टेक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इज इट करेक्ट? यस इट इज करेक्ट। 2 इंटू वाई इंटू डी बाई टू, टू से 2 कट गया, वाई डी बचेगा। सिमिलरली एस वन पी का स्क्वायर, मैं बार बार बोलता हूं, जब भी वीडियो वॉच कर रहे होंगे स्टॉप करें उसे, एस वन पी स्क्वायर मैं कैलकुलेट करता हूं, कैलकुलेट करेंगे ईमानदारी से और फिर चेक करेंगे कंटिन्यू करके प्ले करके सेम है या डिफरेंट है, ताकि हमें पता चले कि हम कॉन्सेप्ट को सही समझ रहे हैं या मिस्टेक आ रही है। सही समझ रहे, दैट्स ग्रेट, कुछ मिस्टेक आ रही है तो लेट्स मेक इट करेक्ट। बट यदि एफर्ट ही नहीं करेंगे, करके ही नहीं देखेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि हमसे होगा या नहीं होगा। सो हमेशा अपने आप ट्राई करें बीच बीच में वीडियो को रोक के, व्हाट इज एस वन पी स्क्वायर क्या होगा, इस ट्राइंगल में फिर से पाइथागोरस थ्योरम, डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू, डी का स्क्वायर प्लस ये इतना सा टोटल वाई, टोटल में से ये माइनस कर देंगे, वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड कर दे तो डी स्क्वायर एच डी प्लस, इसे एक्सपेंड करेंगे वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर माइनस वाई डी। अब यहां कोई मिस्टेक है क्या, आपका काम है, आपकी चॉइस है, यू कैन डू दैट। कैसे आया पता होना चाहिए, पेन चलाओ, सोचो मत, पेन चलाओ तो आपको पता चलेगा कैसे आया। 2 इंटू वाई इंटू डी बाई टू, टू से 2 कट जाएगा, कर दे सब्ट्रैक्ट, दिस माइनस दिस, एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख दें, मीन्स दिस माइनस दिस, डी स्क्वायर कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये दिस माइनस माइनस दिस, सो माइनस माइनस प्लस एड हो जाएगा 2y स्मॉल d, yd प्लस yd 2yd। इसमें आइडेंटिटी लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज एस टू पी माइनस एस वन पी इंटू एस टू पी प्लस एस वन पी इक्वल्स टू 2yd। एस टू पी माइनस एस वन पी इज एक्स, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, एक्स इंटू एस टू पी प्लस एस वन पी इज टू वाई डी। व्हाट इट, दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट मी टेक 3। एक छोटा सा अजम्पशन यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली देखो, मैंने डायग्राम बड़ा सा शो किया, प्रैक्टिकली ये डिस्टेंस
मिलीमीटर में होगा, फ्यू मिलीमीटर, हाफ मिलीमीटर, वन मिलीमीटर, मिलीमीटर में होगा, बहुत प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा पास पास होंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव डेस्ट्रक्टिव या ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनेंगे वो भी सेंटर ऑफ स्क्रीन से बहुत कुछ मिलीमीटर तक बनेंगे, इधर भी प्रैक्टिकली दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू सी। प्रैक्टिकली पॉइंट पी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट सी यानी सेंटर ऑफ स्क्रीन पॉइंट सी, देयरफॉर एस टू पी नॉट एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली एस वन पी अप्रोक्सीमेटली कैपिटल डी के इक्वल हो जाएगा। ये बहुत पास, ये दोनों बहुत पास पास होंगे, ये दोनों यहाँ पे बहुत ज्यादा पास पास होंगे प्रैक्टिकली, तो ये भी यहाँ बहुत पास में आएगा, यानी ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली, ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कैपिटल डी के इक्वल हो जाएगा दिस वन। सो इक्वेशन थ्री बिकम्स x into d plus d 2d equals to 2y small d, 2 से 2 cancelled, x becomes y small d by capital D, क्या बन गया y small d by capital D। important formula है इस topic का, first जो formula था ये और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, x इक्वल टू y स्मॉल d बाय कैपिटल d, गॉट इट। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस आ गया हमारे पास, ये यहां पे देखें तो जो अजम्पशन है ये एजिटीज कैलकुलेट करना है, अजम्पशन यहां पे पुट करेंगे क्योंकि अजम्पशन हमेशा, क्योंकि यहां पुट करेंगे अजम्पशन तो जीरो हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो ये कैलकुलेट करना है एजिटीज, जो बाकी बचा इसमें अजम्पशन पुट करेंगे अप्रोक्सीमेटली डी, क्योंकि डी यहां भी पुट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, व्हाट इट ऑल ऑफ यू। सो एक्स की वैल्यू थ्योरेटिकली कंस्ट्रक्टिव के लिए, डेस्ट्रक्टिव के लिए, बट ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस प्रैक्टिकली आया है वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। अब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे फाइनल आंसर निकालने के लिए, वही लास्ट पार्ट है, मेनली वही समझना है, जल्दी से देखेंगे जरा। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर व्हाट, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको कंपेयर करेंगे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको कंपेयर करेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस विच वन, फ्रॉम इक्वेशंस फोर्थ एंड फर्स्ट, फोर्थ को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, y स्मॉल d by कैपिटल d इक्वल्स टू n lambda, व्हाट इज y, n lambda d by स्मॉल d, व्हाट इज दिस, डिस्टेंस ऑफ, ध्यान से समझेंगे, डिस्टेंस ऑफ nth कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसे ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन पॉइंट c, पहला ब्राइट कहां बनेगा, आई विल टेक n इक्वल्स टू 1, पहला ब्राइट आएगा लैम्डा d बाय d, n इज 1, दूसरा ब्राइट कहां आएगा, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तीसरा ब्राइट कहां आएगा 3, टेंथ ब्राइट कहां आएगा 10 लैम्डा d बाय d, वैल्यू पुट करते जाएंगे आंसर आता जाएगा। सिमिलरली फॉर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां किसको कंपेयर करें, फ्रॉम फोर्थ एंड सेकंड, फोर्थ को सेकंड से कंपेयर करेंगे, y d बाय कैपिटल d इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, व्हाट इज y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 2n माइनस 1 लैम्डा d बाय 2d, इक्वेशन नंबर 6, ये इक्वेशन नंबर 5, व्हाट इज दिस, डिस्टेंस ऑफ nth डेस्ट्रक्टिव, डेस्ट्रक्टिव मतलब इंटेंसिटी मिनिमम
जहां मिनिमम इंटेंसिटी होगी उसे बोलेंगे डार्क फ्रिंज। पहला डार्क कहां बनेगा, एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा लैम्डा डी बाई 2d। दूसरा डार्क कहां बनेगा, एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे 3 लैम्डा डी बाई 2d। तीसरा डार्क कहां बनेगा, फोर्थ डार्क कहां बनेगा, फिफ्थ डार्क कहां बनेगा, वैल्यू पुट करते जाएंगे आंसर आता चला जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, इसका छोटा सा मैं डायग्राम स्क्रीन पे प्लॉट कर देता हूं। ये है स्क्रीन, दिस इज सेंटर ऑफ स्क्रीन। पहला ब्राइट कहां बना, लैम्डा डी बाई डी। दूसरा ब्राइट 2 लैम्डा डी बाई डी। तीसरा ब्राइट 3 लैम्डा डी बाई डी। चौथा ब्राइट ऐसे बनेगा। अपोजिट साइड में भी सेम, d1 d2 d3 d4। पहला डार्क कहां है, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई 2d, मतलब इसका हाफ, यानी सेंटर से पहला डार्क जहां पे, सॉरी ये सारी वैल्यूज ब्राइट की है, b1 b2 ब्राइट है, ये सारी वैल्यूज ब्राइट के लिए हमने वैल्यू पुट की थी, तो b1 b2 b3 फिर ब्राइट के लिए थी, मेक इट b, ब्राइट है ये सारी वैल्यूज, होप यू गॉट इट। b3 b1 b2 b3 b4, पहला डार्क सेंटर और फर्स्ट ब्राइट के बीच में आ रहा है, दूसरा डार्क इन दोनों के बीच में, तीसरा डार्क यहां पे, चौथा डार्क। डार्क का मतलब है डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटेंसिटी। ब्राइट का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यदि मैं देखूं तो इधर हम ले लेंगे इंटेंसिटी, दैट इज सेंटर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जो भी आई नॉट या आई जो भी लेके चले। आगे चलेंगे तो इंटेंसिटी में क्या चेंज आएगा, डार्क पे इंटेंसिटी मिनिमम, ब्राइट पे फिर मैक्सिमम हो जाएगी। डार्क पे मिनिमम, ब्राइट पे मैक्सिमम, डार्क पे मिनिमम, ब्राइट पे मैक्सिमम, इस तरह से इंटेंसिटी पैटर्न दोनों साइड में चलेगा। मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह से पैटर्न चलता चला जाएगा, इंटेंसिटी पैटर्न चलता जाएगा। इसी में व्हाट आर द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होगी वो भी हम समझेंगे, गॉट इट। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू ऑल। टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मुझे कराने हैं, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। थैंक यू ऑल, टेक केयर, स्टे एट होम, थैंक यू।